बिल्कुल लेटेस्ट आइटम है यार, कुछ मार्केट नहीं लग रहा चाहिए जी। फ्रेश पीस है, छोटा पोर्स है, बड़ा अच्छा। हे एवरी वन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रभाकर व्लॉग्स। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और इतनी ज्यादा धूप है ना, आज भी बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है और अभी हमें मार्केट भी जाना है क्योंकि हम दोनों को ही कुछ काम है। तो गाइज अभी ना हमें बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, मई में है, स्टार्टिंग में ही है, तो अभी हमने शॉपिंग स्टार्ट नहीं की, तो फिर आज हम शॉपिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं और जो हमारा काम है वो भी निपटा लेते हैं। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो मुझे ना ऐसे खुले बाल छोड़ के नहीं जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं श्वेता से ना गुद करवा के आती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, सबसे पहले श्वेता से गुद करवा के आती हूँ और ये चले गए नहाने, तो अभी चलते हैं गुद करवा लेते पहले। तो अभी मैं अपना कॉम और रबर ले लेती हूँ और नेल पेंट भी नहीं मैंने लगाई है, नेल्स भी मेरे पूरे ऐसे ही, मैंने नेल पेंट रिमूव की थी और उसके बाद ना टाइम ही नहीं लगा, तो नेल पेंट भी मैं लिए जाती हूँ। तो आज मैं रेड कलर की लगाऊंगी, मेरा मन करा रेड कलर की लगाने का। तो अभी चलते हैं श्वेता के पास, वो पता नहीं बिजी है क्या, तो देखते हैं। श्वेता क्या कर रही है? अच्छा मेरी गुद कर दे, मुझे जाना है कहीं। और ये हमारे चाची, श्वेता के चाची या तो मेरे भी चाची, वो कहाँ चली गई है मीनाक्षी? पेपर उसका। हाँ तो अभी मेरी गुद बना दे, जैसे कल बनाई थी ना वैसे ही बना दे, वो अच्छी थी यार। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, बाल ऐसे छोड़ दे ऐसे ना, मेरा ये फोरहेड थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बाल मेरे ना थोड़े इधर से है तो गंदा लगता है, नहीं तो ये बाल निकाल दे यहाँ से, ये वाले इस साइड से भी निकाल, वो मैं खुद निकाल लूंगी। आंटी कहाँ चले गए? अंदर ही लेटे हुए। तो मैं ना इस बेचारे को बहुत परेशान करती रहती हूँ, कहीं जाना होता है तभी परेशान वाली कौन सी ले जाती है जबरदस्ती भी, और ये बेचारी ना भी नहीं कर सकती है। मैं कर, मेरा मन ना करके तो देखे ना करके तो देखे एक ना मेरे बाल बड़े वो रफ हो गए हैं। रफ नहीं है बस, मतलब कर्ली कर्ली से लगता है, सिर्फ सॉफ्ट पड़े हैं, खींच रहे हैं इतने ज्यादा। अब नहीं खींच रहे, तो अभी देख सकते हैं आप, श्वेता ने मेरी गुद कर ली है और मेरा ना पूरा ऐसे लग रहा है, मेरा इतना सा फेस लग रहा है इतना सा, और मेरी गुद दिखाना, गुद देखना मेरी कितनी सी हो गई, और ऐसे लगते हैं कि पता नहीं कितने वो गर्ली बाल है, गंदे से हो गए। तो अभी श्वेता ने ये मेरी गुद कर दी है, गंदी तो नहीं लगी? नहीं अच्छी लगी। तो मैं पता क्या करूंगी, अगर गंदी लगेगी ना तो मैं सिर कवर कर लूंगी ऐसे करके, पर गंदी नहीं लग रही है आपको, अच्छी लगती है वाली। तो अभी श्वेता लेके आ रही है चाय और मैंने बनाए आलू वाले परांठे और साथ में खमीरे, तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। अभी निकलती हूँ मैं भी मार्केट के लिए, ये चले गए आगे आगे, कहते कि मुझे 5-10 मिनट लगेंगे, तो अभी मैं चलती हूँ, लेकिन अभी श्वेता को बता देती हूँ कि उसका जो जो का ध्यान रखना। अभी सबसे पहले मम्मा को पूछ लेते हैं हम जाते हैं कि उनको हमारे साथ जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको ऑफिस में काम हुआ तो वो मुश्किल ही जाएंगे, तो हम पहले अपना काम कर लेते हैं और आते टाइम उनको भी ले जाएंगे हम, तो फिर ये चले जाएंगे घर और हम चले जाएंगे मार्केट शॉपिंग के लिए, तो अभी लेट हो गए हम। अभी जो हमें मेन काम था वो हमारा हो गया कंप्लीट, तो अभी चलते हैं शॉपिंग करने और अभी मम्मा आ गए वहाँ पे, तो अभी उनको भी वहाँ से ले लेते हैं। और इतनी ज्यादा गर्मी है ना, अभी गाड़ी में जैसे बैठे सीट इतनी गर्म है ना, मजा आया। ऐसी लगियां दे चाहूं दे लोरिए, नशा मक्करा ही ये शिकार तुम्हारी बाहा। तो अभी हम ना मम्मी के ऑफिस के बाहर रुके हैं, मम्मी आए नहीं अभी तक, तो उनका वेट कर रहे हैं। और सामने मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे ना भंडारा चल रहा है, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप ना वहीं पे खा के आ जाओ, क्योंकि हमें बाजार जाना है तो 5-6 तो बज ही जाएंगे आते आते, तो फिर घर पे खाना लंच भी नहीं बनाया मैंने, तो अभी मैं कह रही हूँ कि जाओ भाई आप उधर खा के आ जाओ, जाओ भंडारा खा के आ जाओ। अब ये देख रहे हैं कंपनी मिल जाए कोई तो चले जाएंगे, जाओ जाओ जल्दी से। मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? खाना नहीं खाना है? नहीं तो रहना पड़ेगा भूखे, आज जूस ही पी लेना, जूस से गुजारा कर लेना। वहां पे लगा भंडारा, ये रहा मंदिर सामने, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं। तू चली जा। मैं नहीं जाऊंगी यार, मुझे भूख नहीं है ना, भूख नहीं है तब मैं अपना टाइम पास कर लूंगी, तो बस मैं भी
मैं आपका सोच रही हूँ, जाओ भंडारे में खा के आ जाओ। मैं भी कर लूंगा। बिना खाए रह लोगे लेकिन उधर भंडारे में नहीं जाओगे? आता है खाना बनाना। आता है? मुझे 1.5 साल हो गया है, मेरे सामने तो आज तक आपने चाय भी नहीं बनाई है। एक पैसे खर्च कर लाया तो इसका क्या मतलब है? अपने लिए तो बना सकते हो, मेरे लिए तो मत बनाओ, अपने लिए बना लो। ये चाय बनाएंगे तो सभी को पिलाएंगे, देखा जाएगा। चलो छोड़ो, आप जाओ भंडारा खा के आओ, तो मैं यहाँ पे वेट करती हूँ तब तक। ठीक है, बाय बाय। जाना क्या है, लेट के इधर आराम से। और अभी मम्मा भी नहीं आए हैं, तो फाइनली अभी मम्मा चले गए हैं इनके लिए भंडारे का खाना लाने। और ये जनाब नहीं गए, इनको शर्म आती है, शर्म आती नहीं, गर्मी लगती है। आई मम्मा लेके आएंगे तो फिर खा लेना घर जाके। तो अभी हम आ गए हैं शॉप पे, तो अभी सबसे पहले शगुन के कपड़े ले लेंगे। और ये रहा दीदी का सूट, दीदी देख ले अपने लिए वेडिंग वाला सूट। तो मुझे ना ऐसे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, ये सूट मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इनको नहीं आया तो ये देख रहे हैं और निकाल रहे हैं अभी। तो अभी पहले वेडिंग वाला सूट ले लेंगे और उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी देखती हूँ, मुझे भी कोई पसंद आ जाएगा तो फिर मैं अभी ले लूँगी। और अभी इन्होंने ये बड़ी दुकान बना ली है और यहाँ पे मतलब सारा कुछ है, अभी कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लहंगे भी ना इतने प्यारे प्यारे हैं दूसरी साइड, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती। अभी हमने बाकी शॉपिंग ऑलमोस्ट कर ली है और अभी हम जा रहे हैं सुनारम की दुकान। कुछ थैली हमारे पास है और कुछ पीछे शॉप पे ही रखी, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी सामान उठाया नहीं जाएगा। और मुझे चले जा रहे हैं मैसेज जी और बाकी लोग जा रहे हैं आगे। अभी ना ये भैया बना रहे हैं मंगलसूत्र, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं। इन्होंने ना बिल्कुल स्मॉल पीसेस कर दिए, इतने छोटे छोटे कि मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे, बहुत टफ काम है ये। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और अभी हम पहुँच रहे हैं घर, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है ना, तो सबसे पहले इनसे मिलते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो लाइट्स ऑफ है, तो जनाब को अपने फोन से ही बेल मिले तो लेने भी नहीं आए, मजे से एंजॉय कर रहे हैं अपने। अभी चाय शाय पिला दिया मैंने मम्मा और इनको, और अभी मेरे फेस से ना लग ही रहा होगा कि कितनी ज्यादा थकावट होगी आज। हम कोई ना 12:30 के करीब गए थे घर से, या शायद 12 बजे गए थे हम, तो अभी 7:30 बजे आए, इतना बुरा हाल हो गया। मतलब मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अभी उठूं, लेकिन फिर थोड़ा बहुत काम बचा, ऊपर से मम्मा का भी फास्ट है आज, वो है पूर्णिमा है, तो अभी मैंने सब्जी चढ़ा दी है और दही भी बना के रख ली है। तो अभी आटा गूंदना रह गया है, तो सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ और उसके बाद रोटियां बनाने के लिए अभी टाइम है, तो थोड़ी मुझे रेस्ट मिल जाएगी। मुझे ना बहुत ज्यादा नींद आ गई है, क्योंकि मुझे ना आदत है कि 4:30 बजे मुझे 1 घंटा सोना है तो सोना ही है, और आज मैं नहीं सो पाई हूँ, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी नींद आ जाएगी। तो अभी बर्तन भी पड़े हैं वैसे वॉश करने के लिए, लेकिन उनको बाद में देखते, आप एक ही बार करेंगे यार बार बार कौन लगे। आज ना पूरा दिन मेरा मार्केट में निकला है, पहले सुबह तो अपने काम निपटाती रही और उसके बाद हमें किसी काम के लिए जाना था, तो पहले वो काम किया, उसके बाद चलो जी शॉपिंग। और मतलब यार टाइम का ना पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम हो गया। और अभी मैं फ्री हो गई हूँ, मतलब खाना शाना खिला के खा के, तो अभी थोड़ा इधर बाहर आई हूँ। अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतना सफोकेशन हो रहा है और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, आँखों में ना मेरे पूरे ऐसे डार्क सर्कल्स पूरे ऐसे ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ब्लॉग भी एडिट करना है और अपनी कबर्ड की सेटिंग भी करनी है, और ऊपर से थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बाकी काम छोड़ते हैं कल पे, कल संडे है तो संडे को कर लेंगे यार आराम से बैठ के, क्या पता कल भी कहीं जाना ना पड़े। यहाँ पे मंडे को तो छुट्टी होती है, अगर मार्केट जाना पड़ेगा तो, वैसे मेरा मन तो नहीं है कल जाने का, बाकी आगे कोई पता नहीं है। तो बाकी काम शाम देखेंगे कल, और जो मेन काम है व्लॉग एडिटिंग का, तो भी मैं व्लॉग एडिटिंग कर लेती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।